अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और से सुनिएगा, हमारा क्वेश्चन है देयर आर फोर ऑप्शन, चार ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी। आपने देखना कि एरर किसमें है, ठीक है। हेवर्ड ब्राउन वाज ए रेड वाइडली, ऑप्शन ए इज अ क्लियर। न्यूज़पेपर ऑप्शन बी, कॉलमनिस्ट हु रोट ऑप्शन सी, ड्यूरिंग ऑप्शन डी, ड्यूरिंग द 1920s एंड 1930s। अब ये चार ऑप्शन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देर आर फोर ऑप्शन, यानी मैं बोलता हूं हेवर्ड ब्राउन वाज ए रेड वाइडली नंबर ऑप्शन वन, न्यूज़पेपर ऑप्शन बी, कॉलमनिस्ट हु रोट ऑप्शन सी, ड्यूरिंग ऑप्शन डी, दी 1920s एंड 1930s। अब इसमें मसला क्या है ये याद रखिएगा, यानी जिस तरह एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, मसलन मैं ये बात कहता हूं ही इज अ ब्यूटीफुल बॉय। अब ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली यहां भी मसला कुछ ऐसा है, मसला ये है यानी हेवर्ड ब्राउन वाज ए रेड वाइडली, ये गलत है। यानी मैं सिंपल बात ये कहूंगा वाइडली जो है ये एडवर्ब है, ठीक है। अगर ये वाइडली एडवर्ब है तो ये इसको क्वालिफाई करेगा, ज्यादा हम लिखेंगे वाइडली रेड, यानी एडवर्ब ने पार्टिसिपल को यानी वर्ब को मॉडिफाई किया, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं एडवर्ब पहले आएगा और पार्टिसिपल बाद में आएगा, यानी ये है रेड वाइडली, ये गलत है। यानी वाइडली टाइम टू मॉडिफाई द वर्ब रेड, इज दैट क्लियर, इसको पार्टिसिपल भी आप कह सकते हो। तो ये होगा, मैं दोबारा बोलता हूं हेयर वर्ड ब्राउन वाज ए वाइडली रेड, नॉट रेड वाइडली, इज दैट क्लियर। एडवर्ब पहले आएगा क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। और अगला है न्यूज़पेपर बी, कॉलमनिस्ट हु रोट ऑप्शन सी, ड्यूरिंग ऑप्शन डी, द 1920s एंड 30s। तो इसका आंसर है, यानी ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ रेड वाइडली, ठीक है, तो ये गलत है। क्यों? पहले एडवर्ब आएगा फिर उसका पार्टिसिपल या उसका वर्ब आएगा, क्योंकि एडवर्ब जो है उसको पार्टिसिपल को क्वालिफाई कर रहा है।